नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2023 की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की जो बुक है आपके भूगोल यानी जियोग्राफी और जियोग्राफी की जो बुक है, इस बुक के अंदर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाने वाला हूँ जो आपके 2023 की बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। यानी मैं केवल आपको वो गारंटेड क्वेश्चन, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन ही टिक करवाने वाला हूँ जो आपके इस बार 2023 की बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। यानी 2023 का जो आपके सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है 2023 में, तो उस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन मैं आपको टिक करवा रहा हूं वो क्वेश्चन आपके 100% आए, तो वही क्वेश्चन मैं आपको टिक करवा रहा हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और साथ में आपको बुक लेकर बैठना है और साथ साथ में ये क्वेश्चन आपको टिक भी करना है। तो यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपकी बुक है सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत और कक्षा 10 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक, तो ये बुक है, ये साथ में आपको लेकर बैठनी है। ओके, तो सबसे पहले हम चैप्टर वाइज बात करेंगे। तो यहां पर जो पहला चैप्टर है वो आप देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 आप देख सकते हैं, संसाधन और विकास, यानी संसाधन और विकास वाला जो अध्याय है आपके, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपको टिक करने हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो 2023 के बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और यानी छोटे बड़े जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, मल्टीपल चॉइस, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में आपको टिक करवा रहा हूं। तो यहां पर चैप्टर नंबर 1 है आपके संसाधन और विकास, तो इसमें आप पहला क्वेश्चन देखिए बहुवैकल्पिक प्रश्न, तो इसमें आपको एक तो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, लौह ऐसा किस प्रकार का संसाधन है, तो इसमें प्यारे बच्चों चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, नवीकरणीय योग्य और जैव और प्रवाह है और एक है आपके अनवीकरण योग्य, तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद में एक क्वेश्चन नंबर 4 आपको टिक करना है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है, तो इसमें भी देख सकते हैं आप, आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो ऑप्शन आपका सही है वो आपको टिक करना है, जो ऑप्शन आपका सही है वो आपको लिखना है। ओके, तो इसमें चार ऑप्शन है, एक तो है आपके हरियाणा, एक है आपके पंजाब, एक आपके यूपी उत्तर प्रदेश का मैदान और एक है आपके उत्तराखंड। उसके बाद में देखिए इस चैप्टर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके, जो मैंने सेलेक्ट किए हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है। एक आपको क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला क्वेश्चन भी टिक करना है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, तो इसमें भी चार ऑप्शन है, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड। और उसके बाद में देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए, तो इसमें एक तो पहला क्वेश्चन आपको टिक करना है कि तीन राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। और उसके बाद में एक आपके तीसरा क्वेश्चन आपको टिक करना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की जो रोकथाम है उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपको टिक करना है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें, इनकी परिभाषा और उदाहरण है वो आपको अच्छे से याद करना है। और एक है आपके यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको टिक करना है कि भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें और वर्ष 1960 से 61 से बने से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका कारण आपको बताना है। ओके, उसके बाद में देखिए जो दूसरा अध्याय है हमारा, दूसरा चैप्टर है आपके वन और वन्य जीव संसाधन, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो वही क्वेश्चंस मैं आपको टिक करवा रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको एक दो का क्वेश्चन टिक करना है, दो का क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए कि निम्नलिखित प्राणियों पौधों का उनके अस्तित्व के वर्ग से मेल करें, यानी आपको सुमेलित करना है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके। और उसके बाद में यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन आपको टिक करना है कि जैव विविधता क्या है, जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसकी परिभाषा बतानी है और यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको टिक करना है, अच्छे से आपको आना चाहिए।
उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर जो तीसरा अध्याय है हमारा, तीसरा चैप्टर है जल संसाधन, यानी जल संसाधन वाला जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए छोटे बड़े सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो तीसरा अध्याय है इसमें आपको एक तो तीसरा क्वेश्चन तैयार करना है। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जल दुर्लभता क्या है, यानी जल दुर्लभता है उसके बारे में बताना है, उसकी परिभाषा बतानी है और इसके जो मुख्य रीजन है, उसके जो मुख्य कारण है वो भी आपको लिखने हैं। और एक है आपके इसमें दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है आपके, यानी दूसरा और तीसरा क्वेश्चन दोनों तैयार करने हैं, दोनों को टिक करना है आपको कि बहुदेशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और जो हानियां हैं उनकी आपको तुलना करनी है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। और उसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे में आपको पहला क्वेश्चन टिक करना है कि राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसकी जो व्याख्या है, इसकी जो एक्सप्लेन है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, अच्छे से आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद में हम बात करें आपके चैप्टर नंबर 4 है आपके कृषि, यानी एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर कृषि वाला जो चैप्टर है इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं जो आपके बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं, बोर्ड के पेपर में आपके 2023 के बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको टिक करवा रहा हूँ, तो साथ साथ में आपको टिक करना है ओके। और अच्छे से आपको तैयार करना है, यानी बोर्ड एग्जाम तक आपको बार बार इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पर देखिए कृषि वाला जो चैप्टर है उसमें एक तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको टिक करने हैं। एक तो तीसरा क्वेश्चन है आपके कि इनमें से कौन सी रबी फसल है, एक तो आपके चावल है, एक आपके चना है, एक मोटे अनाज है, एक है आपके कपास, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा प्यारे बच्चों वो आपको बताना है। और एक है आपके तीसरा क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, तो इसमें ए ऑप्शन में दालें, ब में आपके ज्वार तिल, स में आपके मोटे अनाज, द में आपके तिल, तो इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में दूसरे प्रश्न में आपको एक तो दूसरा प्रश्न टिक करना है कि भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण भी आपको देना है। उसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें आपको दूसरा और तीसरा क्वेश्चन टिक करना है। दूसरे में आपको पूछा गया कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखें, और तीसरा क्वेश्चन है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनका भी आपको वर्णन करना है। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करें तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 है आपके खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन वाला जो चैप्टर है इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन टिक करने हैं जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके इस बार 2023 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वही क्वेश्चंस मैं आपको टिक करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मल्टीपल में दूसरा क्वेश्चन आपको टिक करना है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिजों का अग्रणी उत्पादक है। तो प्यारे बच्चों इसमें 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन आपका सही है वो आपको बताना है। एक आपके क्वेश्चन नंबर 4 है कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको बताना है। और दूसरे में यानी दूसरा जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए, तो निम्नलिखित में अंतर देना है आपको, यानी पहला है लोह है और एलोह है खनिज में अंतर बताना है, और दूसरा है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। दोनों ही आपके इंपोर्टेंट है, दोनों भी आ सकते हैं या फिर इनमें से एक भी पूछा जा सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, अच्छे से आपको तैयार करने हैं। और उसके बाद में जो चैप्टर नंबर 6 है आपके विनिर्माण उद्योग, तो विनिर्माण उद्योग वाला जो अध्याय है, जो चैप्टर है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे जो आपको याद करने हैं अच्छे से, तो हम उन क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले मल्टीपल में यानी जो बहुविकल्पिक क्वेश्चन है इसमें एक तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो इसमें एल्यूमिनियम है, सीमेंट है, प्लास्टिक है, मोटर गाड़ी है, तो 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको बताना है। और एक दूसरा क्वेश्चन है आपके कि निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है, एक तो है आपके हेल, एक है आपके टाटा स्टील और एक है आपके सेल और एक है आपके एम
NCC, ओके, ये भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में एक मल्टीपल चॉइस है आपके तीसरा क्वेश्चन इसमें कि निम्न से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, तो ये भी आपको बताना है। और उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए, तो इसमें एक पहला है आपके विनिर्माण क्या है, और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 4 कि आधारभूत उद्योग क्या है, इनका उदाहरण देकर आपको बताना है, जिसमें देख सकते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपकी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इस बार 100% इस क्वेश्चन का चांस है कि विनिर्माण क्या है, इसकी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, और एक है आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर आपको बताना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद में हम बात करें आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, और वही क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पर हम बात करें प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके बहुविकल्पिक, तो इसमें एक तो पहला क्वेश्चन टिक करना है कि निम्न से कौन से दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं, तो मुंबई नागपुर सिलचर पोरबंदर, और एक है मुंबई कोलकाता, और एक नागपुर सिलीगुड़ी, तो इसमें 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको बताना है। एक तीसरा क्वेश्चन टिक करना है कि निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, तो इसमें एक तो मध्य प्रदेश है, एक महाराष्ट्र है, एक गुजरात है, एक उत्तर प्रदेश है, तो जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको बताना है। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 5, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके, कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है, पाइपलाइन है, रेल परिवहन है, सड़क परिवहन है, वायु परिवहन है। और उसके बाद में देखिए अति लघुतरात्मक प्रश्न है, जिसमें दूसरा प्रश्न है, जिसमें एक तो पहला प्रश्न टिक करना है और एक तीसरा प्रश्न टिक करना है, जिसमें सड़क परिवहन के 3 गुण बताने हैं और सीमांत सड़कों का महत्व बताना है। और तीसरे में आपको पहला क्वेश्चन टिक करना है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो प्यारे बच्चों, जो आपके भूगोल की जो बुक है आपके समकालीन भारत, तो इस बुक के मैंने ऑल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने आपको टिक करवा दिए हैं। अगर आपने एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो इस बार आप सामाजिक विज्ञान के पेपर में एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो ये पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना है, ताकि ऑल स्टूडेंट इन क्वेश्चंस का बेनिफिट ले सकें और बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें, ओके। तो पूरा जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं, साथ साथ में आप इनको टिक जरूर करें और अच्छे से आप इनको तैयार करें।